एक मिनट हो गया क्या तुम्हारा? नहीं रुको रुको यार, हाँ हाँ हो जाते आप टेंशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डिविजनल कमिश्नर के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम दिया है इसराइल और हमास की कन्फ्लिक्ट के हवाले से, जो कि लोगों ने कहा है कि सीज़ फायर हो गया है, लेकिन हम समझते हैं कि सीज़ फायर दो गवर्नमेंट की फ़ौजों के बीच में होता है और हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसराइल एक गवर्नमेंट है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन और एक कंट्री के बीच में सीज़ फायर के कोई माना नहीं है। जितनी भी चीज़ें हुई है, हम इसको इसराइल का एक जाराना हमला समझते हैं, बारबारिक अटैक ऑन फलस्तीनी पीपल्स, स्पेशली ऑन गज़ा। गज़ा के लोगों पर जो उन्होंने बमबारी की है, ये सबसे ज़्यादा कंडेमनेबल और ये मजम्मत करने के लायक है, इसलिए कि इसके ज़रिए से उन्होंने हज़ारों बिल्डिंगें तबाह की हैं और उसमें तकरीबन 2232 के करीब शहादतें हुई हैं, जहाँ बाप लोग हैं, और उसमें 65 बच्चे हैं। यानी यू कैन इमेजिन इट कि 65 बच्चे किस तरह जो है, 232 में से 65 बच्चे हैं, यानी उन्होंने आने वाली जनरेशन को ख़त्म करने का फैसला किया। तो इसे टोटली जेनोसाइड, ये कत्ले आम है, इसको हम कत्ले आम मानते हैं। इसलिए हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारा पुराना स्टैंड है फ़लस्तीन के ऊपर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, इस स्टैंड पर कायम रहते हुए इंटरनेशनल फोरम में इसराइल के इस अटैक की मजम्मत होनी चाहिए। ये जेनोसाइड है, इट इज़ नॉट ए कन्फ्लिक्ट बट इट इज़ अ जेनोसाइड। हम ये कहते हैं कि नस्ल कुशी है, ये फ़लस्तीन के बच्चों को मार कर ये बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारी जनरेशन को भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि हमास ने जो डिफेंड किया और हमास ने जो लड़ाई की है, ये इससे इस बात का पता चलता है कि एक टिनी ऑर्गेनाइजेशन भी बड़े बड़े मुल्क का मुकाबला कर सकती है सेल्फ डिफेंस के हवाले से, और सेल्फ डिफेंस का सबको है और हमास को भी सेल्फ डिफेंस का हक है और उसने अपने उसका इस्तेमाल किया है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि असल इशू जिससे ये जंग, ये जो कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, वो शेख जरा का इशू है। शेख जरा बैतुल मुकद्दस या मस्जिद अक्सा के पास एक इलाका है जहाँ से पुराने, दो सदी पुराने रहने वाले मुसलमानों को खदेड़ कर निकाला जा रहा है। वहाँ की कोर्ट ने भी डिसीजन दिया कि उनको निकाला जाए, उस पर वो प्रोटेस्ट हो रहा था। प्रोटेस्ट करना कोई गैर कानूनी काम नहीं है, एक लीगल एस्पेक्ट है प्रोटेस्ट का, अपनी बात को समझाने का। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर फ़ौजियों ने अटैक किया। रमज़ान के आखिरी दिनों के अंदर मस्जिद अक्सा में, अपनी ही मस्जिद में मुसलमानों को जाने से रोक दिया गया है, उस पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस पर गोलियां चलाई, यहाँ तक कि नमाज की हालत में जो लोग थे उन पर गोलियां चलाई। तो ये जो अटैक है, इससे इसराइल ये बताना चाहता है कि हर हाल में हम तुमको कुछ करने ही नहीं देंगे। तो ये शैतानों और डिक्टेटरशिप का आइडिया है। ये दुनिया कहाँ जा रही है आज, जो है दुनिया जो है लोगों की राय, लोगों का ख्याल, लोगों के मशवरे का ख्याल करती है, और ये डिक्टेटर जो है बनकर पूरी इंसानियत को ख़त्म करना चाहते हैं। तो हमने ये जो अटैक है, ये बुजदिलाना अटैक है, इसको कंडम किया है। दूसरे ये कि हम इसराइल से, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चाहते हैं कि वो इसराइल पर ये दबाव बनाए कि वो 1967 के जो पोजीशन है उसकी, उस पर वो वापस जाए। जितने उसने अटैक किए हैं जिसमें लोग जो है ज़ख्मी हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, उनको कंपनसेट करें, और ये कंपनसेशन वो इंटरनेशनल फोरा के थ्रू करें, और जो ब्लॉकेट है गज़ा के अतराफ में वो ब्लॉकेट ख़त्म किया जाए। उनको फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और जो जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मेडिसिन वगैरह, उनको प्रोवाइड किया जाए। इंटरनेशनल कम्युनिटी से हम ये डिमांड करते हैं कि गज़ा को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट होने के लिए,
फिर से जो है उनकी तामीरात के लिए वो भरपूर मदद करें, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज से। थैंक यू। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।